नवाबों के दौर में रामपुर में आम और खास आदमी के दो हथियार होते थे, पहला तेज जुबान और दूसरा तेज धार वाला चाकू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामपुरी चाकू की। रामपुरी चाकू की अपनी एक पहचान थी और इसे बनाना एक कला। इस चाकू को एक अदा के साथ खोला जाता था। पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में भी रामपुरी चाकू ने अहम किरदार निभाया है। रामपुर ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे में रामपुर का जो पुराना इतिहास है उसको एक बार फिर दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो है ये 3D एक स्कल्पचर है और इस स्कल्पचर में हमने मिक्स मेटल का इस्तेमाल किया है। इसमें ब्रास है, मेनली इसको ब्रास से और स्टील से, इसका जो ब्लेड है वो स्टील से बना हुआ है। ये स्टील जो है ये काफ़ी ख़ास स्टील है और ये ब्रास भी कुछ अलग ग्रेड का ब्रास है जो इजीली रस्ट नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा। और इसमें कुछ जो हमने स्टील यूज़ किया है वो स्टील भी बिल्कुल अलग है, इसका ग्रेड बिल्कुल अलग है। रामपुरी चाकू जो है वो रामपुर की एक विरासत है। इस विरासत को दोबारा से पुनर्जीवित किया गया है और इस विरासत को इसमें नवाबी दौर से इसमें काफ़ी चीज़ें थी। 70s में ये बहुत बॉलीवुड में फेमस था और अभी जो हमने इसमें काम किया है कि ये काफ़ी लगभग 20-25-30 साल से जो बंद कारोबार था उसको वापस से रिवाइव करने के लिए हमने इस पर वर्कआउट किया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही जितने भी रामपुर के ऐसे और बिजनेसेस हैं वो भी स्पॉटेड हों और वो दिखें, विजुअल में आए और शहर का विकास भी हो, इससे डेवलपमेंट भी हो और यहाँ का बिजनेस भी एम्पावर हो, लोगों की जो बिजनेस ग्रोथ है वो भी एम्पावर हो और हमारे शहर का जो है ब्यूटिफिकेशन वो भी अच्छी तरीके से हो जाए। कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए और रामपुर को एक अलग पहचान दिलाने के लिए रामपुरी चाकू चौराहा डेवलप किया जा रहा है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रामपुर अलग पहचान रखता है। रामपुर को जानने और समझने में लोगों की रुचि बढ़े इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही इससे रोजगार और पर्यटन की भी सुविधा बढ़ेगी।